राज्यसभा में प्रधान जी ने, धर्मेंद्र जी ने पूछा कि सीकर से इतने लोग क्यों आए, तो राज्यसभा में बोलकर कहा कि सीकर वो स्थान है, शिक्षा की नगरी बन गया है, शिक्षा के केंद्र बन गया है और शिक्षा के कारण से सबसे ज्यादा सीकर से सिलेक्ट हुए हैं। ये बात उन्होंने नीट के एग्जाम के बारे में राज्यसभा के रूप में कही, तो मेरा मन और हृदय इतना आभार इन लोगों के प्रकट करता है कि पहले यहाँ पर काम किया था शिक्षा के लिए सेठों ने, और अब इन किसान पुत्रों ने जिस प्रकार से मेहनत कर शिक्षा को शिक्षा नगरी बनाया है, क्योंकि तो सीकर का नाम का अर्थ है श्रम, सीकर श्रम, मेहनत करने से जो पसीना आता है और जो फल निकलता है उसका नाम सीकर है। तो CLC ने और अन्य संस्थाओं ने अपनी मेहनत के बल पर सीकर का जो इतना बड़ा नाम ऊंचा किया है, मैं उन सबको पुनः एक बार मेरी ओर से बहुत बहुत धन्यवाद।